पिछले 10 सालों में बिहार के राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और लाला न सिर्फ बच्चा पैदा करने पर प्रतिबंध लगाया बल्कि उनकी जनसंख्या कमी है। ये बात, ये खुलासा बिहार सरकार के एक रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार जाति आधारित गणना 2022 का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है और इसमें बताया गया है कि बिहार में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, जिसमें राजपूतों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, भूमिहारों के बारे में और लाला के बारे में बताया गया है कि उनकी जनसंख्या कितनी है। और जो आंकड़े दिए गए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उस आंकड़े के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में इस समाज के लोगों ने न सिर्फ बच्चा पैदा करने पर रोक लगाई बल्कि उनकी जनसंख्या भी कमी है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमिहार समाज की कुल आबादी बिहार में 2.86% है, राजपूत समाज की कुल आबादी 3.45% है, इसके अलावा ब्राह्मण समाज की कुल आबादी 3.6% है। अब बात कास्ट और लाला की कर लेते हैं। वैसे भी इनकी संख्या कम है लेकिन इस बार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी बिहार में जो आबादी है वो कुल आबादी के 0.60% है। अब इस बात को समझने के लिए 2011 के जो जनगणना हुए थे उसके आधार पर जो रिपोर्ट बना था उसको भी समझना बेहद जरूरी है। मेरे हाथ में आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट चल रहा होगा जिसमें कहा गया है कि साल 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में मोटे मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि स्वर्णों में भूमिहार की आबादी 4.7% है, जबकि आज की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 2.86% है। यानी कि जनसंख्या पर तो बिल्कुल ही रोक लग गई बल्कि भूमिहारों की आबादी आज से 10 साल पहले ज़्यादा थी, आज जो है वो कम है। क्योंकि आज सरकार कह रही है कि 2.86% है बल्कि 2011 के आधार पर जो रिपोर्ट बनी थी उसमें कहा गया था कि 4.7% है, यानी कि तकरीबन 2 गुना ज़्यादा। अब बात राजपूतों की कर लेते हैं। राजपूत 2011 के अनुसार 5.2% है, यानी कि लगभग 6% के आसपास थे, लेकिन आज की तारीख में बिहार सरकार ने जो आंकड़े सार्वजनिक किए हैं उसमें 3.45% बताया जा रहा है। यानी कि आज के तुलना में 2011 में राजपूत 2 गुना के आसपास थे और आज उनकी संख्या न सिर्फ रुकी है बल्कि कमी है पहले की अपेक्षा में। बात अब ब्राह्मणों की कर लेते हैं। आज की तारीख में बिहार सरकार कहती है कि ब्राह्मणों की आबादी बिहार में 3.6% है बल्कि 2011 का जो आंकड़ा बताता है, जिस आधार पे आंकड़ा तैयार किया गया उसमें कहा गया कि 5.7% जो है वो उस वक्त ब्राह्मणों की आबादी थी, यानी कि ठीक 2 गुना आबादी आज से 10 साल पहले थी। तो न सिर्फ इस जाति के लोगों ने बच्चा पैदा करने पर रोक लगाई बल्कि उनकी जनसंख्या ठीक पहले से आधा हो गई है। अब बात कास्ट यानी लाला की कर लेते हैं। आज की तारीख में सरकार कहती है कि 0.60% बिहार में कास्ट समाज की आबादी है बल्कि 2011 का रिपोर्ट बताता है कि 1.5% बिहार में लाला की आबादी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार कास्ट, जिसे लाला भी कहते हैं, श्रीवास्तव भी टाइटल लगाते हैं वो लोग, उन लोगों ने न सिर्फ बच्चा पैदा करने पर रोक लगाया बल्कि उनकी आबादी आज की तुलना में 10 साल पहले 2 गुना अधिक थी। आमतौर पर आप सुनते हैं कि आज घर में जनसंख्या 2-4 है तो हो सकता है कि 5 साल बाद यह संख्या 2-3 और बढ़ जाए, लेकिन इन समाज के लोगों में जो सरकार कहती है कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी है और इसीलिए इस रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कितना सच है, ये सवालों के घेरे में है। क्योंकि जो रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है उसके अनुसार राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार कास्ट समाज के लोगों ने न सिर्फ बच्चा पैदा करने पर रोक लगाया बल्कि उनकी संख्या आज की तुलना में पहले ज़्यादा थी, पहले 2 गुना थी, आज कम हो गई है। तो बिहार सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन इस बिंदु की भी चर्चा हो रही है कि आखिर 10 सालों में जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट कैसे गया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हर व्यक्ति सोच रहा है कि आखिर इन लोगों की संख्या जब 2011 के रिपोर्ट के अनुसार 5%, 6%, 4%, 3% थी तो आज की तारीख में उससे आधा कैसे हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।